देश के पहले डिजिटल बाल मेले को लेकर बच्चों में काफी क्रेज नजर आ रहा है। इस डिजिटल बाल मेले में बच्चों के लिए रोज कई नई गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज मशहूर कोरियोग्राफर संजय ढाका ने बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया। इस दौरान चुरू के सुजानगढ़ के संजय ढाका ने बताया कि जब वो पहली बार स्टेज पर पहुंचे थे तो उनके मन में क्या चल रहा था। इसके अलावा उन्होंने बच्चों को डांस के गुर भी सिखाए। आपको बता दें, डिजिटल बाल मेले में बच्चे 10 तरह के कॉम्पिटिशन में हुनर दिखा रहे हैं। देश के कई राज्यों में बच्चों ने डिजिटल बाल मेले के लिए वीडियो बनाकर भेजे हैं। वहीं बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए मेले में हर दिन कोई नया मेहमान भी आ रहा है। ये सेलिब्रिटी गेस्ट बच्चों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वहीं बच्चों पर सवाल के जवाब भी दे रहे हैं। दिसंबर को शिक्षाविद और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर संजय बियानी का सेशन हुआ था, जिसमें उन्होंने बच्चों को बताया था कि मुश्किल वक्त में भी कैसे रचनात्मक रह सकते हैं। बाल मेले के कॉम्पिटिशन में विजेता रहे बच्चों को क्रिसमस पर अवार्ड दिए जाएंगे। बाल मेले का आयोजन फ्यूचर सोसाइटी और LIC की ओर से किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा रोमांचक अनुभव रहा ये बाल मेला। ऑनलाइन क्लासेस जो थी और सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे अच्छे डांसिंग के क्वेश्चन पूछे, जो कि बहुत ज़रूरी थे और सबको जानना भी बहुत ज़रूरी था। इसलिए जिन्होंने भी क्लास ली बाल मेला वाली, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। और ऑनलाइन क्लासेस आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है, तो आपको वो सब आना चाहिए और अपने को ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी चाहिए। और बाल मेला बहुत ही अच्छी ऑनलाइन क्लास है छोटे बच्चों के लिए, जो घर पे हैं और घर पे कुछ अदर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं उनके लिए। तो मेरा तो आज का डांस का ही सेशन था, तो कोशिश की मैंने, जितने भी छोटे छोटे बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे और थोड़ा सा डांस के बाइट्स वगैरह हुई और बताया। यूट्यूब बहुत ज़रूरी है, आप यूट्यूब पर अपने वीडियोज़ अपलोड कीजिए, उससे रिस्पॉन्स पता चलता है। और बेशक आप मतलब अच्छे डांसर नहीं है, लेकिन अगर जैसे आप एक वीडियो बनाते हैं फिर सेकंड वीडियो, तभी आपका एक अच्छा वीडियो बन पाता है।